हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन जो है वो होगा मतलब फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका मतलब प्रिपरेशन थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सेफ साइड में रहने के लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर अच्छा स्कोर चाहिए मतलब एटलीस्ट आउट ऑफ 70, 65+, तो तब हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर से हमको क्या क्या पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो सेफ साइड के लिए देखिए ये जो चैप्टर है इसमें दो ही ब्रॉड चीजें हैं, एक हो गया आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक हो गया आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एटलीस्ट सारी चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है, अब क्या क्या सारी चीजें पढ़नी है, तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पे आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो टॉपिक है, तो वहां पे कुछ ग्राफ्स हैं। ठीक है, ग्राफ है 11.2, 11.3, फिगर 11.2, 11.3। ठीक है, जो पहला ग्राफ है वो हो गया करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में जो ग्राफ है। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर ग्राफ बिटवीन करंट एंड प्लेट पोटेंशियल जब इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस में करंट और पोटेंशियल जब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो और फोर्थ ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके जो एनसीईआरटी में दिए हैं वही ग्राफ देखने के लिए बोल रहा हूँ, फिगर नंबर 11.2, 11.3, 11.4 और 11.5। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, अब इक्वेशन का कोई डेरिवेशन नहीं है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब उस इक्वेशन से रिलेटेड वो आपको इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, फिर उस इक्वेशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं, 6 न्यूमेरिकल। ठीक है, उसमें से दो एग्जाम्पल हैं 11.1 और 11.2, और एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है 11.2, 11.6, 11.9 और 11.26। ठीक है, तो ये सेफ साइड में रहने के लिए है, मतलब अगर इस चीज़ को पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 1.5 आवर या 2 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर जिस टाइम में ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन अगर आप डिसाइड करें तो विद इन 2 आवर्स ये टॉपिक्स एटलीस्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो गुड स्कोर अगर लाना है, अच्छा स्कोर, तब क्या करना है, तब ऑब्वियसली हमको सिलेक्टिव स्टडी तो होगा नहीं। ठीक है, बट एनसीईआरटी में ऐसे क्या पढ़ना है कि सो दैट हम लोगों से कुछ मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 386। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आपको व्हाट आर कैथोड रेस, हु डिस्कवर्ड कैथोड रेस। ठीक है, हु डिटरमाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिया हुआ है कि कैथोड रेज वे डिस्कवर्ड बाई क्रूक्स, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज वे डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। ठीक है, हु एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने शो किया था, मिलिकन और लॉप एक्सपेरिमेंट पर मिलिकन ने शो किया था। ठीक है, फिर आ गया वॉट इज वर्क फंक्शन, ऑन वॉट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो टॉपिक है पेज नंबर 387 में, उसी में आपका वर्क फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो ये आपके उसी इलेक्ट्रॉन एमिशन टॉपिक में नीचे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फिर आपका उस नेक्स्ट पेज में अगर आएंगे पेज नंबर 388, यहाँ पे पूछ सकते हैं आपको एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो यहाँ पे आपके 3 प्रोसेस दिए हुए हैं, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, उसके नीचे आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दिया है, हर्ट्ज ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ वहाँ पे है, तो उसके बेसिस पे पूछ सकते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आ गया हेलरज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो ग्राफ्स हैं अब वो अब सेफ साइड वालों को देखने हैं, तो बाकी लोग तो ऑब्वियसली देखना है। ठीक है, तो जो गुड स्कोर के लिए जो मैंने चीज़ें लिखी हैं उन स्टूडेंट्स को सेफ साइड में जो चीज़ें हैं उसको मैंने फिर से रिपीट नहीं किया है, तो वो टॉपिक्स आपको देखने पाए। ठीक है, वो छोड़ना नहीं है, तो ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ के बाद एक और चीज़ आप लोग को एडिशनली करना है, वो क्या है, पेज नंबर 392 में जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स का जो कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है पॉइंट वाइज दिया हुआ है आपका क्लियरली। ठीक है, पेज नंबर 392 में, तो वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, पेज नंबर 392। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी,
तो वहां पे आपको पूछ सकते हैं व्हाई वेव पिक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वेव थ्योरी है, उसमें जो सेकेंड पैराग्राफ है वहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ गया आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इक्वेशन 11.4 है, इक्वेशन 11.4 पेज नंबर 395, अब वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर ग्राफ देखें, ठीक है, लेफ्ट जो इक्वेशन है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लेफ्ट साइड में वी नॉट लिखा हुआ है, वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। मतलब अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, तो एक ग्राफ जो वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, उसका स्लोप कितना होगा, एच बाई ई। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है, ठीक है। शो दैट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप जो है वो एच वाई ई होगा। और अगर पूछते हैं विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्लोप, तो आपको बोलना है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर पेज नंबर 395 में नीचे चीज लिखा हुआ है सेंटेंस, वी कैन समराइज द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फॉलोज। अब फॉलोज मतलब पेज नंबर 396 में आपके 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये पूछ सकते हैं गिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको ये 5 पॉइंट, 5 में से कोई 3 लिखने से हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट आपका डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर, तो डी ब्रोगली इक्वेशन जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। वो तो उस अलग अलग फॉर्म में आपको आपको पता है डी ब्रोगली इक्वेशन को अगर आपको अलग अलग फॉर्म में लिखना आता है तो उसके बेस्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए डेरिवेशन नहीं आएगा, इसमें आएगा तो कोई न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन आएगा कोई, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के हिसाब से दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं। जैसे एक पूछ सकते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल विच हैज ग्रेटर वेवलेंथ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लैम्डा और वी के बीच में जो रिलेशन है वो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस रिलेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपका जैसे प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल विच हैज लेस काइनेटिक एनर्जी, तो अगेन आपको अगर इक्वेशन पता है तो वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब जैसे जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√V। तो यहाँ पे लैम्डा और रूट वी के बीच में ग्राफ या लैम्डा और 1/√V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ये 2 ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है बट डी ब्रोगली इक्वेशन के बेसिस पे ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, मतलब ठीक है, ये पहले एग्जाम में पूछा गया है, ओके। अच्छा, इसके अलावा आप एडिशनली यू ऑल्सो नीड टू सी सम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, PDF में आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ये चैप्टर से, चैप्टर छोटा चैप्टर है, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको अराउंड 3 घंटा 3.5 घंटा लगेगा, सेफ साइड वालों को 1.5 घंटे से 2 घंटा लगेगा। तो मतलब ये चैप्टर आसानी से आप अगर आपने अभी तक नहीं भी देखा है तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब देखिए सिलेक्टिव स्टडी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सिलेक्टिव स्टडी के बारे में, तो सिलेक्टिव स्टडी मतलब वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। मैंने आज इवन दो मैंने मतलब सेफ साइड डिस्कस किया है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट परेशान है, मतलब बहुत स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ है, बट अभी भी टाइम है, ठीक है, थोड़ा हार मानने का जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा दिन रात मेहनत करो, ठीक है, करोगे तो मतलब रिजल्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है, कोशिश करो यार, कोशिश करो, हार नहीं मानना है, ठीक है। माई बेस्ट विशेस, गुड लक।